दोस्तों, अगर आप लोग के पास Realme C11 की डिवाइस है और यहाँ पे आप लोग अपनी डिवाइस का जो प्राइवेसी पासवर्ड होता है उसे अगर आप लोग भूल गए हैं तो उसे आप लोग कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आप लोगों में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे स्टैक टेक्निकल एस के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपने Realme C डिवाइस में आएंगे और यहाँ पे आप लोग सेटिंग को ओपन करेंगे। एक बार ओपन करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे मिलेगा प्राइवेसी, यहाँ पे एक बार क्लिक करिए और नीचे आइए और यहाँ पे देखेंगे ऐप लॉग, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग, मैं पासवर्ड डालूंगा जो मुझे यहाँ पे पता है, लेकिन यहाँ पे ये देख सकते हैं रॉन्ग पासवर्ड दे रहा है। मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ तो ये रॉन्ग दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो रॉन्ग बता देगा। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे जो एक फॉरगेट टाइप का एक ऑप्शन आप लोग को हाईलाइट होगा, फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे देखेंगे आप लोग रीसेट थ्रू सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप लोग रीसेट कर सकते हैं अपने पासवर्ड को। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग ने जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर डाला था वो आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिक्योरिटी का आंसर और इसके बाद यहाँ पे ओके पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग देखेंगे सेट प्राइवेसी पासवर्ड। अब यहाँ पे आप लोग का जो भी ओल्ड प्राइवेसी पासवर्ड था वो तो आप लोग भूल जाइए, क्योंकि वो आप लोग को पता नहीं चलेगा तो उसे आप लोग भूल जाइए। तो ये बोल रहा है यूज़ ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप, तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल पासवर्ड बना लेता हूँ। यहाँ पर फिर से वेरीफाई न्यू पासवर्ड, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और ये देख सकते हैं प्राइवेसी पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट। तो ये हमारा जो प्राइवेसी पासवर्ड है वो सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग रीसेट कर सकते हैं और आप लोगों ने जो अभी बनाया प्राइवेसी पासवर्ड सिर्फ आप लोग इसे याद रखिए। बस यही थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जरूर से एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर ना आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोग को मिल जाए। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।